चलो, जैसे सिंप्लीफिकेशन में आपको देंगे कि सिंप्लीफाई दी फॉलोइंग, या तो बस आंसर निकाल दो, तो हमें क्या निकालना होता है, एग्जैक्ट आंसर निकालना है, अप्रोक्सीमेशन में अप्रोक्स आंसर निकालना है, मतलब हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपका वैल्यू आया है 55, तो 56 भी हो सकता है वैल्यू, 54 भी हो सकता है, इसे बोलते हैं अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स वैल्यू निकालना है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है, बहुत ईजी है, बस कैलकुलेशन ही है। यहाँ पे क्वेश्चन लेती हूँ मैं। अच्छा चलो, क्वेश्चन फर्स्ट लिखो, 49.05 इंटू 19.95 -24.99 इंटू 14.12 इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स इंटू 9। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे आपको, इजी है ये जो है ना, ये दिख रहा है ना, 0.05, 95, 99 पॉइंट के बाद दिख रहा है, वो हमें कन्वर्ट करना होता है। अगर ये ही नॉर्मली अगर ये सिंप्लीफिकेशन में आ गया, तो बहुत बहुत टाइम जाएगा हमारा। चलो, यही सिंप्लीफिकेशन में आएगा तो हमारा बहुत टाइम जाएगा, लेकिन अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या करना है, देखो ये 49.05 है, इसे हम ये कैंसिल कर देंगे, लेंगे हम 49 इंटू 19 के बाद क्या है, 95 है, तो इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, ये हो जाएगा 20 माइनस 24.99 है, तो ये हो जाएगा 25 इंटू पॉइंट के बाद 12 है, कम वैल्यू है तो कन्वर्ट नहीं होगा, ये होगा 14, 36 प्लस एक्स इंटू 9 एज इट इज आ जाएगा। 49 इंटू 20 ये कितना होगा, 980 माइनस ये हो जाएगा 350 इक्वल्स टू, इसे मल्टीप्लाई मत करो, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई नहीं करना है, कर सकते हैं लेकिन करना क्यों नहीं है, हमारा आंसर लेंथ ही हो जाएगा, इसे एज इट इज रखो ऐसे। ठीक है, 36 प्लस एक्स इंटू 9 इसे मल्टीप्लाई करोगे लेंथ ही हो जाएगा, लेंथ ही नहीं करना, हमें इजी बनाना है क्वेश्चन को। ये कितना होगा, 630, तो ये ये मल्टीप्लीकेशन में है, यहाँ पे आ जाएगा, क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा इसका आंसर, 79 इंटू 7 होगा 63 इक्वल्स टू 36 प्लस एक्स, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, 36 यहाँ पे आके माइनस होगा, ये हो जाएगा 4, 34, तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 34। ठीक है, ऐसे रिपीट करना है तो रिपीट वरचा काढून फोटो पाठव, त्याच्यामध्ये कंज्यूमर नंबर दिसत नाही, रिपीट बाजूला काढा आणि फोटो पाठव। अरे यार, मैं वो 49 पॉइंट क्या लिख, 49.05 है ये, 05 इसे हम कट कर देंगे, 05 का कोई वैल्यू नहीं होता। मैम वॉइस नहीं आ रहा। अच्छा देखो, यहाँ पे है 49.05, ये कट कर देंगे हम, 05 कोई वैल्यू नहीं, तो इसे 49 लेंगे, और यहाँ पे 19 के बाद 0.95 है, तो इसे कन्वर्ट करके 20 लेंगे, इसे एज इट इज लेंगे, इसे कन्वर्ट करेंगे, एक बढ़ा देंगे क्योंकि 95 है, बाद में देखो 95 19.95। हाँ बोलो मैम, जब ऐसे पॉइंट में दिया रहेगा तो हमें ऐसे कन्वर्ट करना है इसको। हाँ, कन्वर्ट करना है कब, अप्रोक्सीमेशन में, अप्रोक्सीमेशन में, सिंप्लीफिकेशन में नहीं करना, अप्रोक्सीमेशन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, नहीं तो देखो अगर ये हम नॉर्मली इसे सॉल्व किए करने जाए बिना कन्वर्ट किए, कितना डिफिकल्ट हो जाएगा, कितना टाइम लगेगा। हाँ, आपको अप्रोक्सीमेशन जब भी आएगा, या तो आपको देंगे कि अप्रोक्सीमेशन है, या तो आपको लेंगे कि यू डू नॉट हैव टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, मतलब आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं करना है, मतलब ही क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताना, अप्रोक्स बताना है मतलब, तो आप अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है वो समझ जाओगे। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन अलग अलग नहीं आएगा, एक तो आपको पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन होगा, या तो पूरा का पूरा अप्रोक्सीमेशन, एक सिंप्लीफिकेशन एक अप्रोक्सीमेशन वैसा नहीं आएगा। 10 मार्क्स है तो 10 पूरा का पूरा सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, या तो 10 का 10 अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। इसका वेटेज कितना है मैम,
10 to 12 मार्क्स, 10 से 12 मार्क्स के लिए आएगा ही आपको. सिंप्लीफिकेशन भी? हाँ, दोनों का मिला के, दोनों का मिला के, अलग अलग नहीं बोल रही, दोनों का मिला के, दोनों एक ही है. ठीक है, दोनों एक ही है, करना वही है ना, सम्स तो ये वही है, बस सॉल्व करने का तरीका अलग है, वही है बात. ठीक है, और यहाँ पे देखो पॉइंट के बाद 9599 है, तो मैंने यहाँ पे कन्वर्ट किया है, इसे कन्वर्ट किया है, लेकिन ये तो 12 है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पे कन्वर्ट नहीं किया. ठीक है, तो वो आपको समझना पड़ेगा. अगर 20 के आसपास है, 12, 13, 15, 20, 24 के आसपास है, तो जो वैल्यू है एज इट इज लोगे. अगर 90 के आसपास है तो आप कन्वर्ट करोगे, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है. ठीक है, क्वेश्चन जैसे लेंगे वैसा आपको समझ में आ जाएगा. मैम, 10 नंबर में से कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के और कुछ इसके आएंगे ना? आप अभी थे या आप गायब हो गए थे, वो बताओ पहले. नहीं, मैं थी लेकिन मुझे समझा नहीं है. समझा नहीं, अभी तो मैंने बोला कि जो भी क्वेश्चंस आएगा पूरा का पूरा, अगर 10 आ रहा है क्वेश्चंस, 10 एक तो सिंप्लीफिकेशन का आएगा या तो अप्रोक्सीमेशन, दोनों का साथ में नहीं आता कि एक सिंप्लीफिकेशन का आ गया, दो तीन अप्रोक्सीमेशन, फिर सिंप्लीफिकेशन, ऐसा नहीं आता. आएगा तो पूरा सिंप्लीफिकेशन, आएगा तो पूरा अप्रोक्सीमेशन. अच्छा, तो पूरे 10 क्वेश्चंस भाई या तो सिंप्लीफिकेशन के आएंगे या तो फिर इसके आएंगे, ऐसा? हाँ, ऐसे गायब मत हो दीपाली. मैम, मैं नहीं गायब हुई, मैं थी लेकिन मुझे वो वर्डिंग नहीं समझा, मतलब इसलिए मैंने पूछा. चलो, हो गया पास लिख के ना? यस मैम. क्वेश्चन टू, 1299 डिवाइडेड बाय 19.99 इनटू 25 प्लस 400.01 इक्वल्स टू एक्स. अभी बताओ किसे कन्वर्ट करोगे और किसे नहीं करोगे. मैम, 1299 ये 1299 है, 19.99 है, 400.0 ये डिवीजन है. कन्वर्ट केले 1299. हाँ, हो सकता है. देखो पहले बताओ इसे कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे, 1299 को क्या लिखोगे, लिखोगे तो क्या लिखोगे बताओ. बताओ देखे 2025 पूरा आ रहा है. अच्छा, सही, हो सकता है, हो सकता है. चलो ठीक है, देखो इसे बताओ कि ये कन्वर्ट करोगे या नहीं करोगे, बताओ बाकी सब. हाँ मैम. यस मैम. अच्छा, कितना करेंगे? 1300. ये डिवाइड हो जाएगा, इसे कन्वर्ट करोगे. हाँ मैम. 19.99 को 20 लिख सकते हैं, इनटू 25 आ जाएगा, और 25 में ऐड करेंगे ना यहाँ पे 425. बोलो. यस मैम. यस यस. हाँ मैम. हाँ, सच्ची ऐड करेंगे, कर दो ऐड. नहीं मैम. नहीं मैम. नहीं मैम. नहीं मैम. तो सोच के बोला करो, ऐसे मत करो. चलो, ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद एडिशन होता है. पहले डिवीजन मल्टीप्लिकेशन होगा, उसके बाद ही एडिशन होगा, बोर्ड मास का रूल है. चलो, ये 5 × 4 हो जाएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 × 3 होगा 12, 10 बचेगा, 4 × 2 होगा 8, 10 − 8 = 2 बचेगा, 4 × 5 हो जाएगा, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद प्लस 400 कर देंगे, 325 × 5 ये होगा 25, 12, 16,
प्लस 400 2025 होगा, ये होगा आंसर 2025। कहाँ पे ये ना, नहीं 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 करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे वन कर सकते, दो से तीन नंबर तक कर सकते हैं, बस वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। दो से तीन नंबर तक हम कर सकते हैं कन्वर्जन, गलत नहीं होता है। ये जो 1299 है इससे हम 1300 लिख सकते हैं, दो से तीन नंबर तक कर सकते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया 1300 लिया है। पॉइंट नहीं रहेगा तो भी कन्वर्ट करने का, हाँ कर सकते कर सकते। हो गया मैम, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 14.99 है तो इसे क्या लेंगे, 15 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये क्या होगा 5 का क्यूब, 301 225 प्लस 49 सॉरी माइनस 49 प्लस 125। अच्छा ये 125 है, पहले इसे ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगा, ये प्लस है ना, ये ऐड होगा, ये और ये ऐड होगा, ये माइनस 49 के साथ है, ये हो जाएगा 5350 माइनस 49 मतलब 300 होगा, ठीक है। आएगा 301 लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में 300 है, तो आपका आंसर 300 होगा, ठीक है, ऑप्शन में 300 है इसलिए। यस मैम, आंसर तो 201 है ना, 301 आया ना, ऑप्शन में नहीं है ना, अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं ना हम, बाकी सब बहुत दूर दूर वाले। 301 सही है, तो आपका आंसर होगा 300 क्योंकि ऑप्शन है 250 200 150 300 और 350, तो आंसर क्या होगा 300। 201 नियर है इसलिए ना मैं 301। मैम 305 आंसर आया लास्ट वन का, तो भी राइट है क्या? हाँ राइट, 30 देखो ऑप्शन में 300 है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ चल जाता है, लेकिन फिर भी आपका 305 क्यों आया? मैंने 225 को माइनस किया 49 से और बाद में प्लस किया। हाँ तो भी चलेगा, तो भी 301 ही आना चाहिए था। अच्छा मैम कैलकुलेशन देखती हूँ मैं। हाँ वन यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 174 प्लस 125। वन सेवेंटी
39.99% of 799 equals to x. मैम वॉइस नहीं आ रहा है। जीरो 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 कैंसिल, ये हो जाएगा 320, 470 आएगा, सही इजी हो गया। ये 499 को 500 कर दिया, 799 को 800। मैम बहुत स्लो आ रहा है आपका वॉइस। एक सेकंड, स्लो आ रहा है। नेक्स्ट है (1.29 − 25.001 + x) + (159.993) = 62.01 चलो बताओ 35 ओके। चलो बाकी सब भी बताओ। 120.89 है तो इसका क्या कर सकते, 121 कर सकते, 121 किसी का स्क्वायर होगा, आगे है 25 किसी का स्क्वायर होगा, तो इसे लिखेंगे 121 25 x% + 60 + 62, ये 121 किसका स्क्वायर, 11 − 5 + x/100 × 160 = 62। अभी ये जो है ना, इसे सोल्व करते मत बैठो, ये लास्ट में सोल्व करना है। x होता है ना कभी भी, इसे लास्ट में सोल्व करना है, बाकी सब जो वैल्यूज है उसे सोल्व कर लो। मतलब 11 - 5 ये 6 हो जाएगा, 6 होके ये यहाँ पे जाएगा,
मतलब x into 160 divided by 100 equals to 62 माइनस क्या होगा, ये 6 आ जाएगा, 6 यहाँ पे जाएगा, माइनस 6 होगा, तो x into 160 divided by 100 into 56, तो ये x equals to 56 into 100 होगा, division में 100 है, ये साइड जाएगा into 100, मल्टीप्लीकेशन में 160 है, डिवाइड हो जाएगा, जीरो जीरो कैंसिल, ये हो जाएगा 4 into 4 14 आ गया, यहाँ पे 2 into 2 4, 2 into 7, 2 into 1 2, 2 into 5 10, 7 into 5 35, एक्स का वैल्यू आ गया 35। ठीक है, जब भी ऐसा होगा ना कभी भी, आपको क्या करना है, ये जो होता है ये लास्ट में सॉल्व करना है, बाकी सब जो है ये सब दिख रहा है वैल्यूज, उसे सबसे पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद यहाँ पे इसे एज इट इज रखो, उसके बाद जो वैल्यू आएगा उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड बाद में करना है लास्ट में। मैम एक मिनट। फिर देखते हैं मैम। वन फिफ्टी सिक्स पॉइंट जीरो जीरो टू माइनस फाइव फाइव फोर पॉइंट नाइन थ्री डिवाइडेड बाय 5.01 into x आधे डिवाइड होना था तो माइनस ट्वेंटी टू, ये पहले माइनस नहीं होगा, पहले क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 156 एज इट इज रहेगा, माइनस 555 हो जाएगा ये, डिवाइडेड बाय, या तो यहाँ पे डिवाइड लिखते हैं, डिवाइडेड बाय 5 इनटू एक्स इक्वल्स टू, इसका क्या होगा बताओ, 990 हो जाएगा, क्योंकि ये 89 है इसीलिए 90 होगा, 1 ऐड कर दूंगी, पहले डिवाइड होगा, पहले माइनस नहीं करना है, ये डिवाइड कर दो, 1 1 1 आएगा, 156 में से 1 1 1 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 5 और 4 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 990, एक्स इक्वल्स टू 990 डिवाइडेड बाय 45,
अभी 45 से डिवाइड करना 990, 45 इंटू 2 होता है 90, तो पहले 45 इंटू 2 कर देंगे 90, तो 99 में से 90 माइनस होगा तो कितना बचेगा 9, और आगे है 0, मतलब फिर से डिवाइड हो रहा है, 2 आ रहा है, तो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है यहाँ पे 22, तो 22 आंसर होगा। ठीक है, पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू होगा वो डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा। किसी को डाउट होगा ना सिंप्लीफिकेशन में पूछो मुझे, ठीक है, नहीं कुछ समझ रहा है पूछो। चलो बताओ, देखो ये तो प्लस है ना, यहाँ पे 21 प्लस है, तो इसे एज इट इज रहने दो, पहले ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड है उससे कैंसिल करके एक नंबर लेके आओ, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 21 प्लस एक्स इक्वल्स टू, अभी ये 119.91 है, तो इसे क्या लेंगे हम 120 इंटू 38 हो जाएगा, ये डिवाइड होगा 48 हो सकता है, चलो 48 हो जाएगा, देखो 12 से डायरेक्ट 12 के डिवाइड 12 के टेबल में आता है 48, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 इंटू 112 और 12 इंटू 00, 12 इंटू 4 हो जाएगा 48, तो यहाँ पे डिवाइड कर दो 2 इंटू 2, यहाँ पे होगा 2 से डिवाइड कर देंगे 19 हो जाएगा, 2 इंटू 5 होगा 10, 19 इंटू 5, 19 इंटू 5 होता है 95 equals to 21 plus x, तो x यहाँ पे 21 जो है प्लस में है, तो ये यहाँ पे जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 95 minus 21, तो कितना आएगा यहाँ पे 74 होगा आंसर। मैम नहीं नहीं कर रही हूँ,
मैम हाँ बोलो मैम ये 48.4 वाला समझाओ ना। अच्छा 48 क्या आप कैलकुलेशन बोल रहे हो या 48 कैसे आया ऐसे बोल रहे हो? हाँ 48.4 कैसे मतलब 48 भी लिख सकते थे ना हम लोग डायरेक्ट, तो 0.4 क्यों आया नहीं समझा। नहीं 0.4 नहीं है वो, मैं डिवाइड किया ये देखो ये लिया है मैंने 120 इनटू 38 डिवाइडेड बाय 48 ये लिया है मैंने, ये 0.4 नहीं है, डिवाइड करने के बाद फोर आया है। ओके इसका ही वैल्यू 95 आया है। यहाँ पे 21.001 है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो डायरेक्टली 21 आएगा प्लस एक्स एज इट इज आ जाएगा इक्वल्स टू 119 को क्या लेंगे 119.91 है तो इसे क्या लेंगे 120 इनटू 38 आ जाएगा यहाँ पे और डिवाइडेड बाय 48 ठीक है 48 आ गया यहाँ पे। अभी देखो 12 के टेबल में 48 आता है 12 इंटू 112 12 इंटू 00 12 इंटू 4 होता है 48 ठीक है ये डिवाइड कर दिया इसे इसे और इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे 2 इंटू 2 होगा 4 2 इंटू 19 होता है 38 ठीक है 19 इंटू 2 होता है 38 इसीलिए यहाँ पे 19 आ गया। अब ये 2 से डिवाइड होगा 2 इंटू 1 2 2 इंटू 5 10 19 इंटू 5 कितना होगा 95 हो जाएगा और यहाँ पे एज इट इज रहेगा 21 प्लस एक्स इक्वल्स टू 95 तो ये 21 यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा तो 95 माइनस 21 कितना आ जाएगा 74। नेक्स्ट है 335 मैम फर्स्ट वाला 1030 1030 ठीक है 1040 दो दो आंसर है ठीक है हाँ 1040 ही आ रहा ओके 1040 आ रहा है ठीक है ये तो 001 है ये तो कैंसिल हो जाएगा ये 06.05 है तो ये कैंसिल होगा 001 है ये कैंसिल हो जाएगा ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पे क्या होगा 127 इंटू 8 ये हो गया ये सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई पहले करेंगे बाद में प्लस होता है तो ये प्लस एज इट इज आएगा 6 इंटू 4 तो इसका तो 24 हो जाएगा प्लस इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 इंटू 7 56 हो जाएगा 8 इंटू 2 16 प्लस 5
21 हो जाएगा, 8 इंटू 1 8 होता है, और 10 10 हो जाएगा, 1016 मल्टीप्लाई किया 127 इंटू 8, यहाँ पे दोनों का एडिशन होगा 1040, ये हो जाएगा आंसर। बस मल्टीप्लाई करके ऐड करना। किसी को डाउट है क्या? सेकंड का 2345 इसका इसका कितना आया है? 2345 2345 ठीक है, ये हो जाएगा 335, पॉइंट के बाद 01 है, कैंसिल हो जाएगा, इनटू 244.99 है, तो इसका हो जाएगा 245 डिवाइडेड बाय 35, 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 7, 5 इनटू 7 35, 5 इनटू 6 होगा 30, 35 बचेगा, 5 इनटू 7 हो जाएगा 35, 7 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 245, 7 इंटू 1 7, 7 इंटू 3 होगा 21, 24 में से 21 माइनस कर दो 35 बचेगा यहाँ पे, 7 इंटू 5 होगा 35, तो 67 इंटू 35 करना है, यहाँ पे आ जाएगा 2345 यहाँ पे जो 7 बचा था उस 7 से यहाँ पे डिवाइड किया 35 आया, 67 इंटू 35 2345। चलो बताओ क्या होगा, ये जो वैल्यू है देखो रूट एक्स में है, मैंने कल बताया था रूट एक्स से एक्स में कैसे जाना है, लेकिन उसके लिए पहले वैल्यू आना चाहिए, ये सब कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद एक वैल्यू आएगा वो रूट एक्स का होगा, तो रूट एक्स से एक्स का वैल्यू निकालो, कितना 3600, अच्छा 3600 आ रहा है, आपका कितना आ रहा है? 3600, देखो ये कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल करो और ये भी कैंसिल कर दो, अभी सॉल्व करो, सब करो सॉल्व, यहाँ पे इसके साथ परसेंट है तो डिवाइडेड बाय 100, 409 9600 आ रहा है, नहीं 4096, इतना अलग अलग आंसर्स क्यों आ रहा है मैम? 3600 आ रहा है, ठीक है ठीक, चलो ये क्या होगा 40 के साथ परसेंटेज है तो हम क्या करेंगे डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 70, यही आएगा इसका, प्लस 32 के साथ भी परसेंट है तो 32 डिवाइडेड बाय 100 ऑफ 100 मतलब इनटू 100, ऑफ का मतलब 100 इनटू होता है, इक्वल्स टू रूट एक्स, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो 0 कैंसिल कर दिया, 0 कैंसिल कर दिया, 7 इंटू 4 कितना होगा 28, प्लस 0 कैंसिल मतलब 100 और 100 कैंसिल हो गया, 32 आ जाएगा यहाँ पे इक्वल्स टू रूट एक्स, तो इन दोनों का एडिशन कितना आ जाएगा 60,
इक्वल्स टू रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स का वैल्यू 60 है, हमें एक्स का चाहिए, तो रूट एक्स से एक्स में जाने के लिए क्या करेंगे, रूट एक्स इंटू रूट एक्स इक्वल्स टू होता है एक्स, मतलब इसका स्क्वायर कर दो। तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तभी हमें एक्स मिलेगा, तो इसका स्क्वायर कर रहे तो इसका भी करना पड़ेगा, मतलब 60 का भी स्क्वायर आएगा। तो 60 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो 60 का क्या आ जाएगा, 3600, 3600। कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। सही है, सही है, 400 सही है। देखो परसेंटेज पता होगा, जल्दी कर लो। यहाँ पे 33 1/3%, इसका अगर आपको फ्रैक्शन पता है 2 मिनट भी नहीं लगेगा, इसका फ्रैक्शन पता है तो भी नहीं लगेगा टाइम, जल्दी आ जाएगा आंसर, लेकिन इसका फ्रैक्शन पता होना चाहिए उसके लिए जो मैंने लिख के दिया है। 33 1/3% का फ्रैक्शन कितना आता है, 1/3, बाकी किसी को नहीं पता, 1/3 आएगा। प्लस 12.5% का कितना आएगा, 1/8 आएगा। सही है, ये हो जाएगा 2400। देखो डायरेक्टली फ्रैक्शन से परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाएंगे कितना इजी होगा, यही अगर सॉल्व करने जाएंगे कितना डिफिकल्ट नहीं, लेकिन थोड़ा टाइम तो जाएगा। ये यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 100 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, 8 × 3, ये हो जाएगा 300, 100 प्लस 300 कितना होगा, 400 हो जाएगा। तो ये होगा आंसर, 33 1/3% का फ्रैक्शन होता है 1/3, और 12.5% का फ्रैक्शन डायरेक्टली आता है 1/8, ये आएगा 1/3 डायरेक्टली आएगा। मैम, हाँ बोलो, क्या क्या बोल रहे हो, वो लिखना है इसके लिए। अच्छा नहीं नहीं कर रही, ओके ठीक है मैम। हाँ बोलो, वो 33 1/3 है ना, हाँ हाँ, उसका कैलकुलेशन आप बताएंगे कैसे, कैसे आया 1/3 कैसे आया। हाँ हाँ, अच्छा देखते हैं, ये जो है ये क्या होगा, 33 1/3% है, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है ना, यहाँ पे होता है प्लस, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 33 × 3 कितना होगा, 99 प्लस 1 आ जाएगा एज इट इज, 3 डिवीजन में है, डिवीजन में 3 आ जाएगा, उसके विद्या म्यूट करो विद्या, इसका साथ परसेंटेज है तो हम इसे क्या लिखेंगे, इनटू 1/100,
99 + 1 कितना होगा 100 100 डिवाइडेड बाय 3 इनटू 1/100 तो ये मल्टीप्लिकेशन है तो ये कैंसिल हो सकता है 100 100 कितना बचेगा ऊपर 1 नीचे 1/3 वैसे 12.5 का भी होता है देखो 12.5% मतलब 12.5 डिवाइडेड बाय 100 अभी ये जो पॉइंट है पॉइंट कितने डिजिट के पहले है एक एक डिजिट के पहले है तो अगर ये हटाना होता है ना तो हम क्या करते हैं नीचे जीरो बढ़ाते हैं हाँ जीरो बढ़ाएंगे 25 से डायरेक्टली डिवाइड कर दो 25 इंटू 5 हो जाएगा 125 25 इंटू 4 होगा 100 और ये जो जीरो है एज इट इज आ जाएगा 5 इंटू 1 होगा 5 और 5 इंटू 8 हो जाएगा 40 1/8 आया डायरेक्टली यही हमें हमेशा सोल्व नहीं करना है ये वाला इसीलिए हमें डायरेक्टली बाय ऐड करना है सोल्व करके निकाल सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है वैसे 66 2/3 का कितना आएगा फ्रैक्शन में 2/3 आ जाएगा 2/3 आता है जैसे ये निकाला वैसे इसका भी निकालना होता है इंटू 900 हो जाएगा इससे पहले सोल्व करेंगे उसके बाद प्लस करेंगे 50% मतलब कोई भी वैल्यू होता है उसका आधा भी कर सकते हैं या तो 50% निकाल दो ये हो जाएगा 3 से डिवाइड कर देंगे 300 इंटू 2 600 होगा प्लस 0000 कैंसल 50 इंटू 5 कितना होगा 250 इन दोनों को एडिशन कर दो 850 आ जाएगा ये होगा आंसर इजी है डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है बस यहाँ पे परसेंटेज कर लो और तो रोज कैलकुलेशन करते जाओ आपको इजी लगेगा डिफिकल्ट नहीं लगेगा रोज करना पड़ेगा लेकिन चलो इसे ट्राई करो यहाँ पे भी रूट एक्स ही है देखो रूट एक्स है पहले ये वैल्यू निकालो उसके बाद रूट एक्स का वैल्यू आएगा उसके बाद एक्स का निकालो यहाँ पे डिवीजन है यहाँ पे माइनस है तो इसे पहले माइनस नहीं करोगे पहले डिवाइड करोगे इसे ऐड करके क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व करना होता है पहले ब्रैकेट सोल्व करोगे उसके बाद डिवाइड करोगे उसके बाद जो भी वैल्यू आएगा उससे माइनस करोगे जो भी वैल्यू कितना आया 49 ये तो एज इट इज रहेगा इससे क्या करेंगे 1 3 4 7 कर देंगे प्लस 53 कर देंगे उसके बाद जो भी टोटल आएगा उसके बाद डिवाइड करेंगे हम किससे डिवाइड करेंगे 99.9 है मतलब ये हो जाएगा 100 उसके बाद हम माइनस करेंगे लेकिन माइनस 7 आएगा क्योंकि 6 के बाद 98 है पॉइंट के बाद 98 है इसीलिए 7 हो गया वो इन दोनों का एडिशन करेंगे पहले 1400 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 7 तो पहले डिवाइड कर दो 14 बचा है यहाँ पे 14 में से 7 माइनस कर देंगे 14 माइनस 7 7 आएगा लेकिन 7 किसका वैल्यू है रूट एक्स का तो रूट एक्स का वैल्यू नहीं चाहिए हमें एक्स का चाहिए तो क्या करेंगे 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा 49 आंसर होगा 7 नहीं होगा रूट एक्स का वैल्यू 7 है तो एक्स का वैल्यू 49 7 का स्क्वायर
पहले देखो 1296 किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 1296 डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा और इनटू 10 हो जाएगा और प्लस 40 हो जाएगा 80 80 आंसर है हाँ। किसका है आंसर मेरा है। अच्छा डिंपल फास्ट हो गए अभी कैलकुलेशन में कर रहे हो मतलब प्रैक्टिस कर रहे हो करो 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 अच्छा अच्छा चलो चलो 1296 किसका स्क्वायर है 1296 36 का है डिवाइडेड बाय 8.99 मतलब डिवाइडेड बाय 9 हो जाएगा इनटू 9.98 है तो ये हो जाएगा 10 इससे कैलकुलेट करेंगे फिर प्लस 40 9 इंटू 4 होगा 36 4 इंटू 10 40 होगा 40 प्लस 40 80 आ जाएगा चलो बताओ अंडर रूट 899 है अभी 899 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है एक्स इंटू अच्छा ये इंटू एक एक सेकेंड एक सेकेंड यहाँ पे है इंटू मैम हाँ बोलो मैम वो जो अभी समझो किया ना आपने वो टेन वाला टेन जो आया ना मैम तो एट का क्या हो गया एट का नाइन हो जाएगा ना हाँ इनटू टेन होगा ना हाँ तो वो ही किया है ना एट का नाइन बोलो बोलो इनटू भी साइन है नाइन इनटू टेन तो 90 हो जाएगा ना नहीं 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 देखो ये वाला जो है वो तो डिवाइड है ना मैंने बोला साइन से जाना ऐसे टाइम पे अभी ये था इसका तो 36 लिख दिया ठीक है ये तो डिवीजन हाँ. में है मतलब ये डिवीजन में ही आएगा 8.9 है 99 है तो ये 9 डिवीजन में आ गया ठीक है उसके हाँ. बाद इंटू है तो ये दोनों का इंटू नहीं होगा क्योंकि इसके पहले तो डिवीजन वाला साइन है इसीलिए ये डिवाइड हाँ. होगा ये मल्टीप्लाई लिखा है तो मल्टीप्लाई ही होगा अगर यहाँ पे डिवीजन लिखा होता तो यहाँ पे 9 इंटू 10 होता डिवीजन में दोनों का दोनों आ जाता समझा यहाँ पे इंटू हाँ. लिखा है इसीलिए इंटू लिखना है डिवीजन होगा तो डिवीजन से जाओगे ये वाला जो ना ये एक्स हटा दो यहाँ पे रॉन्ग है शायद एक्स रॉन्ग है शायद कितना आ रहा है 58 हाँ 5000
फोर फाइव सिक्स सिक्स एट मैं किती घेतला 900 हाँ अपन रूट मध्ये ना हाँ 30 140 माइनस मध्ये रॉन्ग झालं ना मैम 3822 आ रहा है 3822 हाँ अच्छा अच्छा बताओ पहले इसे इसका क्या करोगे इसका 900 अंडर रूट 900 तो ये किसका स्क्वायर होता है 30 का तो 30 इनटू इसका क्या होगा 12 का स्क्वायर है ये ठीक है 144 हो जाएगा ये है ना 144 हाँ प्लस एक्स हो जाएगा इक्वल्स टू 5000 तो इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो 4320 प्लस एक्स इक्वल्स टू 5000 तो 5000 में से ये माइनस होगा कितना आ जाएगा ये 80 आ जाएगा 680 आया 680 देखो ये इतना और क्यों आ रहा था वैल्यू ये वाला देखा नहीं क्या 12 का स्क्वायर 5000 के बदले 500 दे दिया था अच्छा 500 हाँ चलो ठीक है मैम ते 900 पे स्क्वायर घेतला का त्याचा हाँ रूट मध्ये 8899 है ना आता 899 तर कोणाचा स्क्वेअर नाहीये आपल्याला स्क्वेअर पाहिजे मग आपण 900 तर आहे ना स्क्वेअर 30 म्हणून रूट मध्ये 900 घेतलं मग 30 स्क्वेअर 900 आहे मग आपण 30 घेऊ शकतो ना व्हॅल्यू कळलं का हो मॅम ठीक है चलो ये तो कैंसिल हो गया 600 प्लस 120 डिवाइडेड बाय 3 119 है 0.99 120 हो जाएगा प्लस 470 हो जाएगा 69 का यहाँ पे आएगा 40 ये दोनों का एडिशन हो जाएगा 510 600 प्लस 511 हो जाएगा 511 ऐड अच्छा ये जीरो है ना ये जीरो है हाँ 510 करेक्ट है मैंने 510 बोला 511 लिखा चलो 111 सही है नेक्स्ट है मैम 630 मैम ते पण प्लसच आहे ना काय प्लस आहे सगळा प्लसच येते प्लस 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 ऍडिशन केलंय ना तिघांची ऍडिशन केली ही मी ते 40 प्लस 470 ची ऍडिशन लिहिलेली डायरेक्ट 510 510 प्लस 600 किती होणार 111 ऍडिशनच केलेली मायनस नाही केलं ठीक है डिंपल फॉर्म में यार डिंपल
फॉर्म में हो आज आप हमारे आज। हाँ क्या बोल रहे हो? इजी है ये। अच्छा इजी है तो बाकी सबका क्यों नहीं आ रहा है बताओ? इजी है तो मैम वो भी है। चलो ठीक है। 10 से अभी आया दीपाली का आंसर। चलो 8 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 9 प्लस 70 ये हो जाएगा 64। 9 इंटू 3 27 प्लस 70 हो जाएगा। ये बताओ यहाँ पे प्लस माइनस क्या करोगे बताओ? पहले कैसे करोगे ये बोलो। ये 64 और 70 ऐड करेंगे। 64 अरे वाह याद रखा मतलब आपने। चलो अच्छा है, अच्छा है। 134 माइनस 27 ये हो जाएगा 107। 134 माइनस 27 एग्जाम में भी आपको ऐसे ही टाइप के आएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। इससे थोड़ा ऊपर नीचे होगा, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और किसका आप? अच्छा आपके साथ और एक पार्टनर आ गया। बाकी सब शांत। 114 कोई भी नहीं बोल रहे हैं अभी। अक्षता का आया वो इतना मतलब डिफिकल्ट नहीं है, सबका आंसर आना चाहिए। ये हो जाएगा 10.99 मतलब 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर 121 प्लस ये 170 है, लेकिन उसके लिए आपको स्क्वायर पता होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हो। देखो 170 है तो 169 स्क्वायर होता है 13 का, तो डायरेक्टली 13 ले सकते हैं। 13 का स्क्वायर है 169 प्लस माइनस एक, एक प्लस माइनस कर सकते हैं माइनस 9.99 मतलब 10% करना है। 10% किसका आएगा? 200 का आ जाएगा। 0000 कैंसिल, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस होगा। पहले ये ऐड कर दो, ये हो जाएगा 4 3 एंड 1 134 माइनस 20 ये हो जाएगा 114 मैम ऐसे पीछे भी जा सकते हैं 169 मतलब पीछे मतलब हमेशा हम 1 ऐड मतलब बढ़ाते तो ये रिवर्स गए ना। अच्छा 170 का 169 किया पीछे। हाँ 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 जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं बढ़ाना है, कम भी कर सकते हो 169 कर सकते हैं चलेगा, क्योंकि 169 ही है स्क्वायर 13 का। और अगर 14 में जाओगे 196 से कितना बढ़ाना पड़ेगा, इससे अच्छा हम 13 ही लेंगे ना, एक का डिफरेंस है, कर सकते हैं पीछे थोड़ा सा चल जाता है, दोनों में चलता है, आगे भी जा सकते हो 2-3 नंबर, पीछे भी जा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन पे फिर भी कभी कभी क्वेश्चन पे डिपेंड होता है। ठीक है चलो आगे।
आया या नहीं आया? 16 ठीक है, 16 है आंसर. अच्छा एक सेकंड, ऑप्शन देखो. 16 आ रहा है. हाँ सही है, सही है, सही है, 16 सही है. अभी वैधवी का भी आ गया देखो. वेरी गुड. मैम वो 13 पॉइंट है. हाँ 13 है मैम. आंसर 12 है. 12 सही है सर. चलो ये 512 डिवाइडेड बाय x इनटू 6 हो जाएगा 192. ये x को यहाँ पे भेज दो. 512 डिवाइडेड बाय 192 इनटू 6 इक्वल्स टू x. x डिवीजन में है ना, यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन में आएगा. ये ऊपर है, ये नीचे आ जाएगा. ठीक है, ये 192 6 से डिवाइड हो गया डायरेक्टली, 32 हो गया. ये डिवाइड कर देंगे. मैम 12 सेकंड का 12 है. ठीक है हाँ मैम 12 ओके. चलो यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे. एक्स इक्वल्स टू 8 इंटू 1 16 आ जाएगा. ये 13.9 है. ये होगा 14 इंटू 6 डिवाइडेड बाय 42 इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाय 6. तो ये 6 से या तो यहाँ पे रहने दो. 14 इंटू 1 14 इंटू 3 हो जाएगा 42. 14 इंटू 3 42. 3 इंटू 2 होगा 6. ये जो 6 से यहाँ पे जाएगा मल्टीप्लाई होगा. 2 इंटू 6 12 हो जाएगा. x इक्वल्स टू 12. एटी फोर आ रहा है. ठीक है चलो ये तो 5 होगा. 5 इंटू 12 प्लस
9 इक्वल्स टू एक्स माइनस 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 प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो इन दोनों का एडिशन कर दो कितना आएगा 15, ये 15 आएगा, ये कैंसिल मत करो 9 और 1, इसे 1 मान लो, ये 11 प्लस 3 कितना होगा 14 और ये हो जाएगा 1, 15 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं 12 इंटू 5 4 आएगा 16, ये होगा 3 प्लस क्या लिखा है 3.01 है प्लस 5.13 है मैम, आंसर 5 है, इसका 5 है, 5 40 आ जाएगा यहाँ पे, 40 इंटू 3 120 प्लस 5 125, x क्यूब का वैल्यू आया है 125 तो x का आ जाएगा 5, 5 का क्यूब होता है 125 इसलिए x का वैल्यू 5 आ जाएगा। वो माइनस 177 है, ठीक है, वहां पे माइनस है, माइनस, अरे हाँ एक्स नहीं है ना, भाई सो गए थे, ये मत लिखो, मैं मत लिखो, एक्स ही नहीं था उसमें, भाई सो गए थे 15.99 square divided by 8.03 minus 8.97 into 8.08 equals to x minus 56.89. सेवेंटी वन आ रहा है। थ्री वन वन पॉइंट है या 3.11 ही है? ये भी लिया ना? नहीं, लास्ट ऊपर वाला। अच्छा इसका आया है, और इसका इसका कितना है ऊपर का, किस कितना है ऊपर का? मैम ऊपर का क्वेश्चन
इक्वेशन में 5/6 ऑफ 311 है. हाँ 311 है ये पहले सॉल्व करोगे, ये बाद में सॉल्व करोगे और उसके बाद डिवाइड करोगे दोनों वैल्यूज. एक्स की वैल्यू 17. अच्छा हाँ नेगेटिव है ना, करेक्ट. इसका कितना आ रहा है बताओ? 17 माइनस 17 ठीक है. ये तो 16 में आएगा क्या? क्या क्या बोल रहे हो? यहाँ पे इक्वल टू है. नहीं ऊपर वाला आंसर पॉइंट में आएगा क्या? 70 आ रहा है. नहीं पॉइंट में आएगा ना. पॉइंट में आ रहा है, पॉइंट में मत निकालो, पॉइंट में मत. फिर ना यहाँ पे ये जो नंबर है ना उसे ट्राई करो कि एक दो नंबर बढ़ा के अगर हो रहा है डायरेक्ट डिवाइड वो ट्राई करो, पॉइंट में मत निकालो. फिर अगर एक दो नंबर बढ़ा के डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है ना तो बढ़ा सकते या तो कम भी कर सकते हो. ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर कितना होगा? 2/5/6 / 8 -9 × 8 इक्वल्स टू एक्स -57. हो जाएगा ये -72 इक्वल्स टू एक्स -57. तो पहले माइनस कर देंगे, लेकिन देखो बड़े वैल्यू का साइन आएगा, माइनस तो आएगा लेकिन दोनों में माइनस ही होने वाला है. मतलब ये -40 हो जाएगा. 40 और 32 दोनों का एडिशन करेंगे तो 72 आ जाएगा. मतलब साइन बड़े वैल्यू का होता है इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस लिया है. एक्स माइनस 57 ये प्लस में है, सॉरी माइनस में है, यहाँ पे आके प्लस होगा. -40 + 57 अभी देखो बड़ा वैल्यू 57 है मतलब प्लस में आएगा. बड़ा वैल्यू 57 है मतलब प्लस में आ जाएगा. तो यहाँ पे x का वैल्यू आएगा 17. -17 कैसे आया था? ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा. ये माइनस यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा, बड़े वैल्यू का साइन होगा. करेंगे माइनस लेकिन बड़े वैल्यू का साइन होगा. प्लस 17 अपन एक्स ही, हाँ एक्स माइनस में देना है. इसका ऊपर वाले का आया किसी का? वन आ रहा है. वन आ रहा है ठीक है. चलो देखते हैं ये इसे क्या किया. 311 को क्या किया? कन्वर्ट किया. 12 किया. करेक्ट है 12 करना पड़ेगा तभी डायरेक्टली डिवाइड हो जाएगा. 6 × 5 होगा 30 और 6 × 2 होगा 12. तो 52 × 5 करना पड़ेगा. ये हो जाएगा 260. इसका भी अलग से वैल्यू निकालेंगे. 4 × 2 होगा 8. 24 बचेगा. 4 × 6 तो ये 4 × 1 ले सकते हैं या तो 0 ले सकते हैं. डिपेंड करता है. 0 लोगे तो भी चलेगा, 1 लोगे तो भी चलेगा. ये देखो 260 / 261 1 नहीं आएगा. x का वैल्यू 1 आ जाएगा. 261 है ना तो इसे 0 कर सकते, 1 आ जाएगा. सही है. मैम वो 311 को 312 किया आपने? हाँ 312 किया क्योंकि डिवाइड होना चाहिए. अगर 1 1 होता तो डिवाइड नहीं होता, पॉइंट में आता. कन्वर्ट कर सकते हैं ना इसलिए यहाँ पे 12 मतलब पॉइंट में आता होता नहीं. आंसर अप्रोक्सीमेशन का मतलब ही वही है कि पॉइंट में नहीं होना चाहिए. थोड़ा बहुत पॉइंट में आ रहा है ना, यहाँ पे भी आ रहा है ना तो भी आप थोड़ा कन्वर्ट करोगे ऐसा. थोड़ा बहुत यहावा होता है मतलब उनका जो ऑप्शन होता है वो ही थोड़ा दूर दूर का होता है, पास पास का नहीं होता. सिंप्लीफिकेशन का जैसा नहीं है इसीलिए. हाँ मैम ये फर्स्ट क्वेश्चन पंच आसपास से खेलना. हाँ क्या बोल रहे हो?
जो आंसर का 17 आंसर है उसमें 9 इंटू 8 करने के बाद माइनस करेंगे. हाँ इंटू करेंगे ना, बोर्ड मास याद करो, बोर्ड मास में पहले क्या होता है मल्टीप्लिकेशन, तभी तो माइनस होगा ना. इसका वैल्यू आएगा पहले, इसका वैल्यू 72 आएगा. बोर्ड मास में पहले डिवीजन होता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद प्लस माइनस होगा. तो इसीलिए माइनस बाद में होगा, पहले नहीं करना है. याद रखो कैलकुलेशन करते टाइम गलत हो सकता है इसी बात से, इसीलिए बोर्ड मास का रूल बनाया है. ठीक है, पहले मल्टीप्लाई करो उसके बाद ही प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पहले आएगा उसके बाद ही प्लस माइनस होगा, पहले प्लस माइनस नहीं होगा. अगर लिखना है हाँ बोलो. फोर आ रहा है. ठीक है मैम. हाँ बोलो मैम. वो 4 divided by 1042 261 आता है क्या? 1042 हाँ 261 आएगा. 261 ये अप्रोक्सीमेटली लिया हमने 261. ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला है क्योंकि हमें पॉइंट में नहीं जाना है, इसीलिए 261. 260 लो या 261 लो. हाँ बोलो बोलो. तो अगर ए डिवाइड भी करेंगे तो 26.5 आता है ना ये वाला. 26 से डिवाइडेड बाय 261 4 डिवाइडेड बाय 104. तो अगर इसको हम डिवाइड भी करेंगे तो 26.5 नहीं आएगा. 1042 डिवाइडेड बाय 4 यही बोल रहे हो ना आप? हाँ हाँ. तो करो डिवाइड, देखो पहले क्या होगा. 4 × 2 8 हो जाएगा. 10 में से 8 माइनस करो कितना बचेगा 24. ठीक है 24 बचेगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा. तो यहाँ पे 260.5 मतलब 261 लो या 260 लो, समझा. 26 नहीं आएगा, 26 नहीं आएगा. 4 है. ठीक है चलो. मेरा अंडर रूट में 2 आ रहा है. अंडर रूट में, अंडर रूट में अच्छा एक्स का वैल्यू निकालना है लेकिन देखो 7.99 को हम क्या करेंगे 8 लेंगे इंटू 4 डिवाइडेड बाय 16. 8 इंटू 2 होगा 16, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4. तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है 2, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा रूट 2 हो जाएगा. क्योंकि ये जो 2 है, जैसे x स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा तो हम क्या करते हैं 2 लेते हैं, क्योंकि 4 किसी का स्क्वायर है. अभी ये किसी का स्क्वायर है ही नहीं, 2 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो इसे रूट 2 में ही लेंगे. सही है, रूट 2 आ जाएगा आंसर, क्योंकि x स्क्वायर का वैल्यू 2 आया है. इसीलिए x के वैल्यू के लिए इसे रूट में ही रखना पड़ेगा. अगर x स्क्वायर का वैल्यू 3 आता तो हम रूट 3 लेते, x स्क्वायर का वैल्यू 4 आता तो हम 2 लेते डायरेक्टली. तो यानी जिसका स्क्वायर नहीं होता उसको रूट में लिखना. हाँ अगर इसका नहीं है ना तो रूट में लिखना है, नहीं है अगर निकाल ही नहीं सकते तो रूट में लिखना पड़ेगा. ठीक है डायरेक्टली रूट में लिख दो, रूट 2 आ जाएगा फिर यहाँ पे. कोई भी वैल्यू हो जिसका नहीं है स्क्वायर ही नहीं, 3 होगा तो रूट 3 हो जाएगा, 5 होगा तो रूट 5 हो जाएगा. ठीक है ये सब स्क्वायर नहीं है ना किसी का, इसलिए.
चलो बताओ 3036 किस स्क्वायर के आसपास होगा? थ्री जीरो टू फाइव होता है 55 का स्क्वायर, 3025 किस 29 आंसर आ रहा है? 39 हाँ मैम 49 325 किसके आसपास आएगा? ये तो 960 है, उसके बाद 55 से किया तो 7 आता है मैम। 55 से किया तो 7 हाँ। मतलब रूट एक्स का वैल्यू हाँ, फिर उसका 49 आएगा। 49 आएगा रूट एक्स का। अच्छा सही है, रूट एक्स का वैल्यू 7 है, एक्स का वैल्यू 49। 55 से करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं। देखो यहाँ पे 31 है, मतलब डायरेक्ट 100 का डिफरेंस है, ये तो कभी नहीं आएगा, इसीलिए मैंने दोनों लिखा है। ये ही आएगा और कोई ऑप्शन नहीं हमारे पास। 3036 का 55 का ही स्क्वायर लेना पड़ेगा। 56 का 3136 है और यहाँ पे 30 है, कितना डिफरेंस आ रहा है 100 का, वो तो कभी नहीं लेंगे, यही लेना पड़ेगा 55। माइनस 325 के आसपास, किसके आसपास होता है 18 का आता है 324, तो 325 हो गया 18 का और ये 961 होता है 31 का, तो ये 31 हो जाएगा रूट एक्स। तो ये दोनों पहले माइनस माइनस को प्लस कर दो, पहले माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, ये होगा 49, दोनों का एडिशन हो जाएगा, प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का होगा, इक्वल्स टू रूट एक्स। ये हो जाएगा 6 आ रहा है, ये 7 कैसे आया? हम लोगों ने 56 किया ना। अच्छा 30 लिए 960 का रूट। अच्छा ठीक है, चलो ये 36 हो जाएगा। देखो कितना डिफरेंस है 36 और 49, बस यहाँ पे देखा जाए तो 6 और 7 का ही डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पे देखो कितना डिफरेंस हो गया बड़ा, दोनों रह सकता ऑप्शन में, ठीक है? तो माइनस और प्लस दोनों रह सकता है, दोनों 6 भी, मतलब 36 और 49 दोनों हो सकता है, 8 के 8 का भी हो सकता है, 64 भी हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे है वो ही यहाँ पे लोगे, सबसे कम डिफरेंस कहाँ पे वो देखोगे और वो ही लोगे। जैसे 961, 31 का 961 होता है, तो यहाँ पे 31 के अलावा और कोई आ ही नहीं सकता। 325 जो है 324 18 का स्क्वायर है, तो 18 ही लेंगे, 325 है और इसके आसपास 55 ही है, और कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो इन सब से हमें 6 मिला है, 55 माइनस 49 तो 6 आएगा, तो x का वैल्यू 36 हो जाएगा।
वन 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 आ रहा है ठीक वन ओके एग्जैक्ट वन आ रहा है वन पॉइंट अच्छा वन नहीं ना वन कॉमा पर है अच्छा ठीक है चलो ये तो 55 आ जाएगा 55 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 22 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इनटू 5 तो पहले ये डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा अच्छा ऑड वैल्यू आ रहा है ठीक है चलो ये हो जाएगा 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 डिवाइड हो सकता ना हाँ करेक्ट है करेक्ट है ये पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे 55 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 100 और भी 5 आ जाएगा करेक्ट है ये 11 हो जाएगा x स्क्वायर 11 इंटू 11 121 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू x स्क्वायर तो x का वैल्यू यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि डिवाइड 100 से कर रहे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा मतलब 1.2 जैसे ऑप्शन होगा वैसे दोगे 1.2 मैम एक बार फिर से बताइए ना देखो ये 55 लिया है मैंने ठीक है 100 डिवाइडेड बाय 100 22 पॉइंट ये तो कैंसिल हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 2 इसे कैंसिल किया मैंने यहाँ पे कितना आएगा 11 आएगा 22 डिवाइडेड बाय 2 11 आया ठीक है इसे एज इट इज रखा ये जो 5 है ना ये नीचे आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे 55 को कितना आएगा 11 11 इंटू 11 यही बचा है और डिवाइडेड बाय 100 बचा 11 इंटू 1 11 इंटू 11 121 होगा डिवाइडेड बाय 100 लेकिन देखो यहाँ पे जब भी 100 होगा जैसे पॉइंट मैंने क्या बोला था अगर यहाँ पे 3.5 है तो ये पॉइंट हटाना है तो नीचे हम जीरो बढ़ा देते पॉइंट हटाना है तो ठीक है लेकिन ये अगर यहाँ पे ऑलरेडी 100 है और यहाँ पे वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे दो जीरो है तो दो जीरो से पहले पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे 121 डिवाइडेड बाय 100 है तो यहाँ पे क्या लेंगे अच्छा ये x स्क्वायर का वैल्यू है अच्छा x स्क्वायर का वैल्यू है ना ठीक है चलो x स्क्वायर का वैल्यू ये किसी ने बताया नहीं मुझे x स्क्वायर है यहाँ पे देखो ये तो दोनों का दोनों स्क्वायर है किसी का या देखो 11 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 10 आएगा x का वैल्यू x स्क्वायर का वैल्यू 121 और 100 है तो x का कितना आएगा 11 आ जाएगा 121 का 100 का 10 आ जाएगा तो x का वैल्यू कितना आएगा 1.1 आ जाएगा ठीक है 1.1 उसी के आसपास जो रहेगा वो आप मार्क कर सकते हो मुझे लग रहा है 1.2 दे सकते हो तो हमारा आंसर 1 ही हो जाएगा ये स्क्वायर था ना यहाँ पे ये स्क्वायर था ना स्क्वायर था तो ये स्क्वायर रूट आएगा उसका 121 11 का होता है 100 का 10 होता है दीपाली बोल रही है फिर से बताओ दीपाली ने बताया नहीं एक स्क्वायर लिखा है मैम 55 डिवाइड बाय 100 करने के बाद इनटू नहीं करेंगे डिवाइडेड कहाँ पे 55 डिवाइडेड बाय 100 इनटू 11 नहीं करेंगे नहीं ये भी है ना 5 ये भी आ जाएगा हमारा हमें कैलकुलेशन को बढ़ाना नहीं हमें कम करना तो यहाँ पे अगर हमें स्क्वायर दिख रहा है अगर हमें और ये तो इसके साथ जो ये है ना ये तो है ना तो ये भी इसका भी निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे तो इसे लेना ही पड़ेगा सिर्फ इसके बारे में इसका कैलकुलेशन नहीं कर सकते हम 5 नीचे डिविजन में लेना ही पड़ेगा नहीं वो 55 डिवाइडेड बाय 100 है ना वो डिवाइड करने के बाद हम इनटू ने हमने नहीं किया ना हाँ डिवाइड नहीं किया लेकिन कट हो रहा तो डिवाइड क्यों करते बैठेंगे ना तो वो 0.5 आ जाएगा हमारा और कैलकुलेशन बढ़ जाएगा पॉइंट की वजह से इसीलिए वैसा नहीं करेंगे जितना डिवाइड हम कट कर सकते उतना कट करेंगे उसके बाद डिवाइड अगर कोई ऑप्शन नहीं तो डिवाइड ही करना पड़ेगा मैम वो 11 अपॉन 10 कौन सा 11 अच्छा ये यहाँ तक समझा आपको हाँ
अच्छा 121 डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। अभी बताओ एक्स स्क्वायर अगर 4 है तो x का वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं ना। तो ये जो 121 है वो 11 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 11 आ जाएगा। 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। तभी यहाँ पे x लिख सकते हैं ना हम, x स्क्वायर से x में जाना है तो, जैसे x स्क्वायर से x में जाना है, रूट निकाल दिया, तो ये इसका स्क्वायर है, यहाँ पे 11, यहाँ पे 10 आ जाएगा। तो x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे 11 डिवाइडेड बाय 10 है, तो 1.1 हो जाएगा x का वैल्यू, डिवाइड कर देंगे तो। यहाँ पे प्लस है, ये पहले सॉल्व होगा, उसके बाद ये होगा। कितना आ रहा है, 4 4 आ रहा है, ठीक है, 4 सही है, सही है, 4 सही है। ये 40% है, 40.01, तो इसे लिखेंगे 40/100 ऑफ 2/5 प्लस ये 60% है, 60/100 ऑफ 3/5 इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 4 है, ठीक है। ये देखो 0 0 कैंसिल कर दिया, 2 × 2 होगा 4, 2 × 5 होगा 10। अब यहाँ पे 2/5 है, 2 × 2 = 4, 5 × 5 = 25 प्लस यहाँ पे 0 0 कैंसिल, 2 × 3 2 × 5 हो जाएगा, 3 × 3 = 9, 5 × 5 = 25 इक्वल्स टू 13/100 ऑफ x। तो ये जो यहाँ पे प्लस है तो प्लस में डायरेक्ट डिवाइड नहीं होता है, ये जो 25 है डिवीजन में सेम है तो हम इसे कॉमन लेंगे, 4 + 9 इक्वल्स टू 13/100 ऑफ x। तो 9 + 4 कितना होगा, 13/25, ठीक है, 13/25 आ गया। ये जो है ये साइड में आ जाएगा, मतलब ये जो 100 डिवीजन में है मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लीकेशन में है ये डिवाइड हो जाएगा, इक्वल्स टू x, 13 और 13 कैंसिल हो गया, 25 × 125 25 × 4 होगा 100, तो x का वैल्यू हो जाएगा 4। किसी को डाउट है इसमें बोलो, डाउट है किसी को?
मैम हाँ बोलो मैम वो फर्स्ट स्टेप है ना 40/100 इनटू 2/5 तो हम लोग है ना 5 को कैंसिल करके 48 ऐसा नहीं कर सकते कर सकते कर सकते तो ये कितना हो जाएगा 40/100 इंटू 2/5 ठीक है 5 × 8 हो जाएगा ये फिर हाँ. किससे डिवाइड करना चाहिए बताओ किससे डिवाइड करूँ मैं 2 से करूँ अच्छा 50 हो जाएगा फिर यहाँ पे और किससे होगा डिवाइड बताओ 2 से होगा और 2 × 4 और यहाँ पे 25 आया 4/25 कैसे भी कैलकुलेट करो चलता है ठीक है यहाँ पे कैसे भी करो चलेगा बस डिवाइड होना चाहिए और आंसर जो आएगा लास्ट में सेम ही आएगा क्योंकि इससे और डिवाइड नहीं हो सकता एज इट इज रखना पड़ेगा वैसे आप अगर यहाँ पे 5 से डिवाइड करते हो तो भी चलेगा रॉन्ग नहीं आएगा आंसर 5 से डिवाइड करोगे तो भी 9/25 आएगा तो आपको ये दोनों का एडिशन करना पड़ेगा ये एडिशन करके 13 आएगा 9+4 और ये जो 25 है वो कॉमन लोगे क्योंकि प्लस है मल्टीप्लाई नहीं होगा कॉमन लेंगे क्योंकि प्लस है इसीलिए फिर वो वाला यहाँ पे लेंगे तब तक ये वाला जो है ना एज इट इज रखना है इसको हाथ नहीं लगाना है पहले क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसीलिए वो उसे एज इट इज रखना है ये जो है इसे पहले सॉल्व करो इसका जो वैल्यू आने के बाद जो 13/25 आया है उसके बाद ही ये वाला जो वैल्यू है यहाँ पे उसे यहाँ पे लो लास्ट में लो पहले मत लो क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसीलिए ओके मैम सबका लिख के हो गया चलो बताओ अप्रोक्सीमेशन का और क्वेश्चन लेना है या कोई नया चैप्टर स्टार्ट करते बताओ नेक्स्ट लेक्चर में हाँ बोलो नया चैप्टर स्टार्ट करना है कोई या पावर वाला नहीं करवाना है मैम क्या बोल रहे हो डिंपल पावर वाला आता है ना इसमें पावर वाला वो सिंपलीफिकेशन में आता है अप्रोक्सीमेशन में नहीं आएगा वैसा हाँ सिंपलीफिकेशन में लिया था ना सर्ट्स एंड इंडाइसेस बोल रहे हो ना आप हाँ वो लिया था ना सिंपलीफिकेशन में लास्ट लेक्चर में कल ही लिया अपने आपने अटेंड नहीं किया होगा कल लिया था मैंने एक बार देख लो लेक्चर ठीक है वहां पे मिल जाएगा आपको सर्ट्स एंड इंडाइसेस वाला मतलब 2 π/3 हो गया × 5/5 वैसे बोल रहे हो ना हाँ वैसा वाला लिया है मैंने कवर किया है ठीक है फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक होगा वो मैं बता दूंगी ठीक है चलेगा हेलो मैम हाँ बोलो वैद्यवी मुझे ना टाइम एंड वर्क में एक प्रॉब्लम है वो मेन और बॉयज का एक सम है उसका लास्ट स्टेप समझ में नहीं आ रहा है मैं ऑलमोस्ट कर रही हूँ बट लास्ट स्टेप में अटक रही अच्छा एक काम करो समझ में नहीं आ रहा मतलब सॉल्यूशन है आपके पास हाँ सॉल्यूशन है बट उसका लास्ट स्टेप समझ में नहीं आ रहा है अच्छा एक काम करो अभी तृप्ति मैम को अभी सेंड कर दो okay. जो भी डाउट है वो सेंड करो कि कहाँ पे आपको डाउट है वो मैं बता दूंगी ठीक है ओके मैम हाँ बोलो मैम ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है ना ये प्री में ना प्री एग्जाम में दोनों साथ में आएगा क्या साथ में आएगा तो भी बहुत इजी वैल्यूज होगा डिफिकल्ट नहीं होगा इजी होगा क्योंकि जो प्रीलिम्स होता है उसमें इजी क्वेश्चंस ही आएगा वर्ड प्रॉब्लम में भी दोनों में टफ नहीं आएगा अगर मिक्स भी आया तो भी टफ वाला नहीं आएगा इजी वाला आएगा मिक्स वाला मैम क्या नहीं है इसलिए पता नहीं तो अलग अलग आपने कराया ना कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ अलग अलग किया है पहले एसआई किया है उसके बाद सीआई उसके बाद मिक्स ऐसे किया है हाँ मिक्स वाले ज्यादा हुए मतलब मैंने भी अभी देखा है लेक्चर तो मिक्स वाले नहीं हुए
अगर कोई डाउट होगा आपको तो सेंड कर दो, ठीक है? फिर सेंड करो ना मैम। हाँ करो करो, ठीक है, चलो बाय बाय, चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, चलो बाय बाय बाय।